नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। आज बहुत बड़ी जो इसका समझ लीजिए कि आप लोग का बहुत ज़्यादा इंतजार था, वो आपका यूपी ट्रिपल एससी के लेखपाल, या ऐसा बोल सकते हैं पीटी के एक मुख्य परीक्षा जो लेखपाल मुख्य परीक्षा है, उसका सिलेबस जारी हो गया है। और बहुत सारे बच्चे इस चक्कर में या बोल सकते हैं कि इस इंतजार में थे कि एक बार सिलेबस जारी हो फिर अपनी पढ़ाई चालू करें, तो सही समय आ गया है, आपका सिलेबस जारी कर दिया गया। हालांकि मैं पहले बता दूं कि अभी कोई भी यहाँ पे एग्जाम के डेट की नोटिफिकेशन नहीं दी गई है कि कब आएगी, लेकिन एक उम्मीद लगाया जा सकता है कि आने वाले सप्ताह में लेखपाल का नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो आप अपनी तैयारी अब शुरू कर दें। पूरा सिलेबस डिस्कस करने से पहले, आप अगर यहाँ पे चैनल पे नए हैं तो एक बार चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। देख लेते हैं कि क्या क्या यहाँ पे पैटर्न इस बार आया है। तो क्योंकि अभी तक क्या होता था कि यहाँ पे प्रारंभिक परीक्षा और मेंस परीक्षा अलग अलग होती थी, लेखपाल की पहले अलग था, उसमें इंटरव्यू था उससे पहले। अब जो है इंटरव्यू हटा दिया गया है, लेकिन कुछ भी बदला नहीं है। सामान्य हिंदी हो गया, गणित हो गया, सामान्य ज्ञान हो गया और ग्राम्य समाज एवं विकास हो गया। चार पार्ट पहले भी थे, चार पार्ट अभी भी हैं। सभी के 25 प्रश्न होंगे और 25 निर्धारित अंक होंगे। 2 घंटे का ये होगा आपका, एक क्वेश्चन एक नंबर का होगा, मतलब कि 100 नंबर का आपका पूरा का पूरा पेपर होगा। 1/4 आपकी निगेटिव भी है, मैं आपको बता दूं यहाँ पे 1/4 क्या है, निगेटिव भी रहेगा, ठीक है। पाठ्यक्रम में सामान्य हिंदी में देख ले कि क्या क्या है, एक बार सरसरी निगाह में जल्दी से सॉरी समास, पर्यायवाची, विलोम, तत्सम, तद्भव, संधियां, वाक्यांशों के लिए एक शब्द निर्माण, लोकोक्तियां एवं मुहावरे, वाक्य संशोधन, लिंग वचन कारक, काल वर्तनी त्रुटि से संबंधित अनेकार्थी शब्द, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न, ये आपके हिंदी के रहेंगे। देखा जाए तो बहुत सारे टॉपिक को उसने फिल्टर किया है ना, बहुत ज़्यादा डिटेल सिलेबस नहीं है, एक बात आप समझिएगा, बहुत सारी चीज़ें निकाल दिया है। आप ऐसे गणित में भी देखोगे तो संख्या पद्धति, प्रतिशतता, लाभ हानि, यहाँ तक अरिथमेटिक में, अगर अंक गणित, पूरे गणित को 3 भागों में बांटा है। एक तो अंक गणित, अभी आप अगले पेज पे देखोगे तो जो दूसरा होगा वो बीज गणित होगा और तीसरा आपका मेंसुरेशन होगा। तो अंक गणित में संख्या पद्धति, प्रतिशतता और लाभ हानि तक पोषण एक कर दिया है वाणिज्य वाले में। उसके बाद वो स्टेटिस्टिक्स से उठाएगा, है ना, स्टेटिस्टिक्स से जो सांख्यिकी जो आपकी होती है वहां से आपका क्वेश्चन उठेगा जो आपका यहाँ पे अंक गणित में है। और उसके बाद आपका केंद्रीय माप, उसी में जो आ गया है माध्य, मध्यिका और बहुलक। तो स्टेटिस्टिक हो गया, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, नंबर सिस्टम हो गया। आपको टाइम एंड वर्क यहाँ पे नहीं पढ़ना है, आपको टाइम स्पीड डिस्टेंस यहाँ पे नहीं पढ़ना है, ये सारे चैप्टर रेशियो नहीं होगा, इन सारे चैप्टर से क्वेश्चन नहीं होगा एवरेज वगैरह से। पहले भी अगर पेपर में देखो तो पहले भी इन सब क्वेश्चन से कम क्वेश्चन देखने को मिलते थे, बाकी आपका जो दिया हुआ सिलेबस इन्हीं से ज्यादा क्वेश्चन पूछता था। तो आपका इससे पता चलता है कि जो क्वेश्चन की प्रवृत्ति होगी वो भी पुराने पैटर्न पे होती होगी, इस बात का दिमाग में रखिएगा। बीज गणित में लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त, अब ये एलसीएम और एससीएफ का जो एलजेब्रा वाला क्वेश्चन था शायद उससे बात करना चाह रहा है ये। युगपत समीकरण, द्विघात समीकरण, गुणनखंड, क्षेत्रफल प्रमेय, ये होगा। रेखा गणित यानी कि बात करें ज्योमेट्री में तो त्रिभुज संबंधी पाइथागोरस प्रमेय होगा। त्रिभुज आयत वर्ग समलंब समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज की परिमाप तथा क्षेत्रफल वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल। ज्यादा डिटेल में इसमें भी नहीं जा रहा है, सर्कल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, रोम्बस हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, ट्रेपेजियम हो गया, बस इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। सामान्य ज्ञान देखें तो सामान्य ज्ञान का आपको देखने में बड़ा लग सकता है, लेकिन इसने केवल एक्सप्लेन किया, बड़ा कुछ नहीं है। सामान्य विज्ञान होगा, साइंस तो होगा ही, राष्ट्र तथा अंतरराष्ट्रीय महत्व की सामायिक घटनाएं, करंट होगा लेकिन ज्यादा वेटेज करंट पे नहीं दिया है, ज्यादा करंट नहीं होगा। भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राज्य व्यवस्था तथा अर्थव्यवस्था, विश्व भूगोल तथा जनसंख्या, सामान्य विज्ञान के प्रश्न, दैनिक अनुभव तथा प्रेक्षण से संबंधित विषयों सहित विज्ञान के सामान्य प्रबोध एवं जानकारी पर होंगे, जिसकी किसी भी सशक्त व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है जिसे किसी वैज्ञानिक विषय का अध्ययन नहीं किया हो। कॉमन से क्वेश्चन है सारे वही, करंट है आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, आप समझो इकोनॉमिक्स और साइंस, जो कॉमन क्वेश्चन है। ये बोला है कि इतिहास से क्या आपसे पूछेगा, तो उसके अंतर्गत आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक पक्षों का व्यापक जानकारी, मतलब जीएस में थोड़ा डिटेल में जा सकता है और अधीनस्थ जीएस में डिटेल में जाता है, उल्टा सीधा कुछ भी पूछता है, वो दोबारा आपसे पहले बोल दिया कि कुछ भी पूछ सकता है। राष्ट्रीय आंदोलन पर अभ्यर्थियों से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की प्रकृति तथा विशेषता, राष्ट्रवाद का अभ्युदय तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में सामान्य ज्ञान अपेक्षित है के बारे में, तो सिमिलर मॉडर्न वही है, कुछ अलग से नहीं है, बस केवल एक्सप्लेन करके लिख रहा है। राज व्यवस्था की बात करें तो राज व्यवस्था तथा अर्थव्यवस्था में जो है, राज व्यवस्था और अर्थव्यवस्था के अंतर्गत भारतीय समाज, भारतीय राज व्यवस्था, भारतीय संविधान, भारत की अर्थव्यवस्था तथा नियोजन के व्यापक लक्षणों की जानकारी होगी।
एक लास्ट में देख लेते हैं ग्राम समाज वाला, तो ग्राम समाज एवं विकास में है, ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में, ग्राम विकास कार्यक्रम, ग्राम विकास योजनाएं एवं प्रबंधन, ग्राम विकास शोध प्रणालियां, ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं, ग्रामीण सामाजिक विकास, ग्राम विकास और भूमि सुधार, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, केंद्र व राज्य सरकार की ग्राम्य विकास से संबंधित योजनाएं। तो ये आपका थोड़ा इकोनॉमिक्स और थोड़ा चीजें, ये जो आपका हो गया त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, ये आप लोग पॉलिटी में पढ़ते ही रहते हो, केंद्र व राज्य सरकार की ग्राम्य विकास से संबंधित योजनाएं, ये थोड़ा करंट के इश्यूज हो जाएंगे। तो ये कुछ अलग सा टॉपिक नहीं है, अलग सा सिलेबस नहीं है, अलग सा सब्जेक्ट नहीं है, ये वही आपके सामान्य अध्ययन वाले सब्जेक्ट है, लेकिन उसे कंबाइन करके दे दिया गया है। तो ये सब कुछ आप आराम से कर सकते हो, सिलेबस लगभग वही है, क्वेश्चन भी लगभग उतने ही पूछे जाएंगे, कुछ बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है, पहले भी उतना ही था, अभी केवल समय का चेंज हुआ है, इंटरव्यू हटा है, इतना आप समझते हुए चलो। जो बच्चे पहले से कोर्स में जुड़े हैं उनके लिए तैयारी आपकी बहुत तेजी से करा दी जाएगी, जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं वो 649 रुपए का पूरा टारगेट बैच मिनिमम फीस में हाईएस्ट क्वालिटी के साथ पूरा बैच चलाया जा रहा है। अब क्योंकि सिलेबस आ गया है, बहुत सारी चीजें हमारे सामने क्लियर हो गई हैं, तो 649 रुपीज में आपका टारगेट बैच चल रहा है लेखपाल का, आप इसमें इनरोल हो सकते हो, ठीक है ना। अभी भी बहुत ज्यादा इसमें समय है, बहुत अच्छे व्यापक तरीके से किया जा रहा है चारों के चारों पोर्शन, या इसमें आपके सारे के सारे क्या है क्लासेस हैं, लाइव क्लासेस हैं, उसके बाद आपका देखा जाए तो सारे के सारे नोट्स हैं व्यापक रूप में, और इसके अलावा आपको टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है केवल 649 रुपए में। हालांकि ये प्राइस जो है 999 है, ये ऑफर में 649 मिल रहा है। अगर आप फुल बैच नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि ये 2 साल से लेखपाल आ रहा है, आप किसी एक पर्टिकुलर पोर्शन का रिवीजन वगैरह करना चाहते हैं, तो कोई एक सिंगल सब्जेक्ट जो है, कोई भी एक सिंगल सब्जेक्ट जो है वो आप मात्र 299 रुपए में ले सकते हैं। हालांकि इसकी प्राइस 599 है, लेकिन इसको ऑफर में 299 दिया जा रहा है। ये आप जो कोर्स है वो परीक्षा प्लस ऐप से परचेज कर सकते हैं, गूगल प्ले स्टोर पे जाके परीक्षा प्लस आप ऐप इंस्टॉल कर लीजिए और वहां से आप कर सकते हैं। अन्य कोई जानकारी के लिए नीचे नंबर चल रहे हैं, या 9450006007 पे कॉल कर लीजिए, या एक नंबर और लिख लीजिए 9129970780। तो अभी मैं आपको बता दूं कि जो सबसे ज्यादा दिक्कत थी, अब एक समस्या यहाँ पे और पैदा होगी कि आखिर लेखपाल में किस तर्ज पे लोगों को बुलाएंगे, कितना होगा। जैसे आपके अन्य किसी में आपको देखो जो क्लरिकल वाली पोस्ट आई, उसमें देखे कि जो 50% के ऊपर है, 50% के अब बोल सकते हो, उन सभी को इस बार मौका मिलेगा, क्या लेखपाल में ऐसा होगा या फिर एक कट ऑफ डिसाइड की जाएगी। तो ये तो अभी भी बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन इस पर व्यापक वीडियो में बहुत जल्द फिर से लेके आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए उस वीडियो को पाने के लिए, और नोटिफिकेशन जो बेल आइकन है वो भी आप पुश कर लीजिए। फिर मिलेंगे कोर्स में मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।